हाय, मेरा नाम दानव सर, मैं अभी बनाने जा रहा हूँ हांगकांग चिकन। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं हांगकांग चिकन। पहले यहाँ पर सूखा लंका प्याज दिया, कैप्सिकम दिया, ये अदरक और लहसुन, फिर ऑनियन मतलब प्याज, फ्राई हो रहा है, ये चिकन फ्राई किया हुआ। भैया आप थोड़ा बताइए चिकन किसके साथ फ्राई किया है? ये कॉर्नफ्लोर है, मैदा है और क्या मैदा मैदा है, एग है और गार्लिक पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट, ये टोमेटो केचप ना, रेड चिली केचप, ओके, ये केचप, ये टोमेटो केचप, ओके, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, नमक, ये क्या दिया आपने? सोया सॉस, ओके। पानी दिया, थोड़ा सा पानी दिया इसमें ग्रेवी के लिए। ये क्या है? स्प्रिंग ऑनियन। हाँ, स्प्रिंग ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन, ओके। ये क्या है? कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर, ये शायद थोड़ा ग्रेवी के लिए दिया जाता है। रेड चिली फिर से स्पाइसी के लिए, ये बन गया आपका हांगकांग चिकन रेसिपी। एक बार हमारा शेफ फिर से बोलेंगे आपको इसमें क्या क्या लगता है। इसमें पहले चिकन पकौड़ा बनाना पड़ता है, पहले चिकन काट के उसके बाद कॉर्नफ्लोर, बेसन, कॉर्नफ्लोर मैदा, एग, गार्लिक मिर्चा पेस्ट, हल्का वाटर लेके उसको निर्णय से पकड़ के रखना पड़ता है। उसके बाद उसको पकौड़ा बनाना पड़ता है। उसके बाद उसको पकौड़ा बनाने के बाद प्याज, ऑनियन, कैप्सिकम और स्टारफूल और एक सलाद, मिर्ची, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची लेके उसको भूनना पड़ता है। अच्छा, चिकन देना पड़ता है टॉस करके, एक चिली सॉस, टोमेटो सॉस लेके उसको टॉस करना पड़ता है, फिर कॉर्नफ्लावर, हल्का सोया सॉस लेके उसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा कॉर्नफ्लावर देना पड़ता है। तो ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो एक चिली सॉस और ज़्यादा यूज़ करना, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर उसको गाढ़ा करने के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।